रियो में हुई थी, रियो डी जेनेरियो, उन्होंने लिखा रियो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमें प्रोग्रेस करना चाहिए था उस प्रोग्रेस में हम 5 साल और पीछे चले गए। इस पर मैं और आगे नहीं ज्यादा कहना चाहूंगा। हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, उसमें भारतीय सोच की जरूरत है। हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम तो हमने बहुत पहले मान लिया था। अब मैं बात करता हूं पर्यावरण में, कहां हम त्रुटि, कहां गैप, कहां है पर्यावरण में। इन्वायरमेंट शब्द जो अंग्रेजी का आया, हिंदी में भी हम पर्यावरण कहते हैं, मतलब हमारे चारों तरफ। इन्वायरमेंट शब्द जो अंग्रेजी का आया वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर शब्द से आया। इन्वायरोनर का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ। अब हिंदुस्तान में पढ़ने वाला बच्चा पूछता है कि चारों तरफ का मतलब क्या है, किसके चारों तरफ? वो हमारे हाथ के चारों तरफ हो सकता है, या सर के चारों तरफ, या पैर के, किसके चारों तरफ है? तो हिंदुस्तान का ज्ञानी कहता है कि यहाँ बाह्य अभ्यंतरा सूची दोनों बात की जाती है, कि इन्वायरमेंट तो बाहर भी है अंदर भी है। सक्सेस क्यों नहीं हो रही है प्लानिंग हमारी, हमने कॉमर्स बना दिया। अभी हमारे मित्र ने माइक्रो प्लास्टिक पर शोध का प्रोजेक्ट बनाया। माइक्रो प्लास्टिक सर गंगा जी में भी अब एक प्रॉब्लम बन गई है, उस पर प्रोजेक्ट बनाया। अब प्रोजेक्ट में डिमांड क्या की गई, एक्सपेरिमेंटली उनको लेबोरेटरी में काम करना है। तो 1 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक मार्केट में उनको 10,000 रुपये में मिलेगी, जिस पर वो काम करेंगे। अब ये समझने की बात है कि 1 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक कितनी खतरनाक हो सकती है, और वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में। इसका मतलब इन्वायरमेंट के समाधान को हमने बना लिया है कॉमर्स। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। जब हम इस सुचिता को भूल जाएंगे, कौन सुचिता, अंदर वाली, केवल बाहर की जब बात करेंगे, तब हमारा विचार होगा कि हम ही ईश्वर हैं। प्रकृति के सारे संसाधनों का इस्तेमाल करने का हमें ही अधिकार है, हम ही भी बलवान हैं और हम ही सुखी हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अमेरिका में मिल्टन फ्राइडमैन नाम के एक अर्थशास्त्री ने बजाया, और उसने क्लासिकल मार्केट मैकेनिज्म ईजाद किया। उसने कहा कि इंडिविजुअल के रूप में, उसको टेक्नोक्रेटिक इंडिविजुअल मॉडल कहते हैं, इंडिविजुअल के रूप में प्रकृति के संसाधन का पूरा एक्सप्लॉयटेशन करने का हमें अधिकार है, क्योंकि हम कैपिटल ओरिएंटेड हमें गवर्नेंस बनाना है। वास्तव में जो अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, हमारे आदरणीय उपाध्याय साहब ने जैसे कहा कि पॉपुलेशन को हम मीट कैसे करेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम कैसे पहुंचा पाएंगे उनकी डिमांड, उनकी नीड को। उससे बड़ी एक प्रॉब्लम और है सर, जो हमारी जीवन शैली है। हम आज भूल जाते हैं कि हम एक कार से काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में जितने मेंबर हैं सबके पास कार होना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन शैली में एफ्लुएंस कहते हैं, लाइफ में एफ्लुएंस कहते हैं हमारी जीवन शैली में। जब तक एफ्लुएंस नहीं दिखाई देगा, हमारी जीवन शैली पूर्ण नहीं होगी। तो हमने ये कॉन्सेप्ट ही मान लिया। अब जहाँ 50 व्यक्ति के खाने के बराबर खर्च होता है, वहाँ एक व्यक्ति कर रहा है, या जहाँ एक कार से काम चल सकता है, वहाँ 4 कारें चल रही हैं। तो समाधान अगर करना है तो हमें अंदर की शुचिता पर ध्यान देना होगा। बिना अंदर की शुचिता दिए आप पर्यावरण की जितनी बातें की जाएंगी, वो कहीं न कहीं बैठा एक बिजनेसमैन कहेगा यहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसको हमें व्यवसाय बना लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा गंगा जी की। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, पवन पवताम अश्मि राम शस्त्र बिताम हम झषा राम मकरश्यस्मि श्रोत शाम अश्मि जाह्नवी। नदियों में मैं गंगा हूं। गंगा जी को इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया? भगवान कृष्ण ने कहा कि नदियों में मैं गंगा हूं, फिर कहते हैं अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य समज्ञ वाचितो हित। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मुझे आत्मसात करता है तो मैं उसका उद्धार करता हूं। ये क्या है गंगा जी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने? तो गंगा तो पतित पावनी है, हम कितना भी उसमें प्रदूषण डालेंगे, हाँ देखने में उनकी पवित्रता जरूर लगेगी कम, लेकिन वास्तव में उनकी पवित्रता कभी कम हो नहीं सकती। विष्णु स्वरूपा माना है हमारे शास्त्रों ने।